जैकी श्रॉफ ने कहा, जिन्होंने आपको बनाया है उनके सामने कभी स्मार्ट ना बने। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। जैकी श्रॉफ बॉलीवुड में एक ऐसे स्टार रहे हैं जिन्होंने सफलता को कभी संबंधों से ऊपर नहीं आका। वो आज भी खुद को अपने पुराने दोस्तों और खुद को बनाने वालों का एहसान मंद मानते हैं। उन्होंने इंडस्ट्री में निष्ठा, आपसी रिश्ते और ह्यूमन वैल्यू के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि निष्ठा और लॉयल्टी मेरे लिए जिंदगी में सबसे अहम है। इस इंडस्ट्री में मुझे पहली फिल्म में काम करने का मौका देवानंद साहब ने दिया था। मैं जूनियर आर्टिस्ट था और शक्ति कपूर का हैंडमैन था। मैंने अपना करियर जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर शुरू किया था और हीरो बन गया। सुभाष घाई ने मुझे हीरो जैसी फिल्म दी। मैंने उनके साथ राम लखन, कर्मा, खलनायक, यादें जैसी फिल्में की। इस वजह मेरी उनके साथ निष्ठा बनी रहेगी। मेरा मानना है कि जिन्होंने आपको बनाया है तो आगे चलकर आप कितने भी बड़े स्टार बन जाए उनके सामने स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनके सामने जाकर काम के लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए। लोग कहते हैं कि आज के जमाने में निष्ठा जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज मुझ में हमेशा ही बची रही है और वो सभी में रहे। जैकी श्रॉफ ने बताया कि मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की कि लोग मेरे प्रति निष्ठावान रहे। मुझे चाहिए भी नहीं, जो मुझको मिला है वो ही मैंने पाया है। मैंने कभी कुछ अपेक्षा नहीं की, ना मुझे जुनून था और ना ही मैं ज्यादा से और ज्यादा पाने के लिए बेकरार था। मेरे पास कुछ भी था नहीं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति था और आज जो कुछ भी हूँ अपने आसपास के लोगों की वजह से हूँ। तो मैं हमेशा से ही संबंधों और अपनों के प्रति लॉयल बना रहना चाहता हूँ। जैकी ने आगे बताया कि मैं नौजवानों के लिए भी एक संदेश देना चाहता हूँ। रिलेशन और भावनाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। आप जिससे भी प्यार करते हो उन सभी को अपनी भावनाएं जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि कल किसने देखा है। मुझे लगता है कि अपनी माँ, बीवी, बच्चे, प्रेमिका की आंखों में देखकर बात करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। आजकल लोग अपने फोन में ही बिजी रहते हैं, उनको एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं होता। दुनिया में काम के लिए सभी लोग बिजी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। ऐसा तय करना चाहिए कि आधा घंटा मम्मी को दूंगा, आधा घंटा बच्चों को। ऐसी प्रायोरिटी जरूर बनाए रखिए तो जिंदगी में आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।